हेलो एवरीवन, आई एम अंकुर चावला, फाउंडर ऑफ स्कोप बेव। आज वाइन एपिसोड में हम ये बात करने वाले हैं कि वाइन कैसे बनती है, अलग अलग तरीके की वाइन क्या होती है, वाइन के लेबल कैसे पढ़े जाते हैं, और हम वाइन टेस्ट भी करेंगे। और वाइन वीडियोस के लिए देखते रहिए कॉकटेल चौकी। हेलो फ्रेंड्स, कॉकटेल चौकी में आप सबका स्वागत है। कॉकटेल्स, वाइन, स्पिरिट्स के बारे में हर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल चौकी और बेल आइकॉन नोटिफिकेशंस बटन प्रेस करके हर दिन देखिए कॉकटेल और स्पिरिट्स एपिसोड्स। हेलो एवरीवन, आई एम अंकुर चावला, फाउंडर ऑफ स्कोप बेव। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाइन्स का सही टेम्परेचर क्या होता है सर्व करने के लिए। हर लिक्विड का अपना एक टेम्परेचर होता है जिसमें वो सबसे अच्छा आपको फ्लेवर और सबसे अच्छा प्रोफाइल देता है। ऐसे ही वाइन्स के अंदर अपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप सर्व करेंगे तो वो फुल पोटेंशियल पे आपको अपना फ्लेवर दे पाएगी। शैम्पेन या स्पार्कलिंग वाइन की अगर बात की जाए तो नॉर्मली हम इनको चिल्ड सर्व करते हैं, विच इज अराउंड 7 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यही अगर हम व्हाइट वाइन की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेप वी कैन सर्व इट बिटवीन 10 डिग्रीज टू इवन 12 डिग्रीज और 13 डिग्रीज सेंटीग्रेड। रेड वाइन में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि जब हम बोलते हैं रेड वाइन को रूम टेम्परेचर पे सर्व करना चाहिए। रूम टेम्परेचर जब हमने डिफाइन किया था या जब रूम टेम्परेचर की बात आई थी वो आई थी यूरोप से, जो उनकी ओरिजिनेटिंग कंट्रीज और ओरिजिनेटिंग कॉन्टिनेंट्स थे। तो इंडिया के रूम टेम्परेचर और यूरोप के रूम टेम्परेचर में बहुत फर्क है। इसकी वजह से नॉर्मल जो लाइटर वेराइटीज है रेड वाइन्स की लाइक अ पिनो नोआर, उसको आप सर्व कर सकते हैं अराउंड 18-19 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन जो हेवियर ग्रेप वेराइटीज हैं लाइक अ कैबने सोवियों या एज ओल्ड वाइन्स, उनको आप सर्व कीजिए एटलीस्ट 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिससे कि आप इन सब वाइन्स का सही टेम्परेचर पे सही लुफ्त उठा सकें। और अगर आपके पास है पिंक, ब्लश या रोजे वाइन तो उसको आप सर्व कर सकते हैं बीच व्हाइट वाइन और रेड वाइन के बीच में, विच इज अराउंड 15-18 डिग्री सेंटीग्रेड, डिपेंडिंग कि क्या आप आउटडोर्स में हैं या इंडोर्स में हैं। ये वाइन ऐसी है जिसको आप यंग, वाइब्रेंट और चिल्ड एंजॉय करें सबसे बेटर रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल चौकी।